बच्चों आज हमारे टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज का डे 4 है और प्यारे बच्चों इस डे 4 में हम रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो सेशन है प्यारे बच्चों वो रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट सेशन है। कल से हम आपके साथ पॉलीनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। देखो बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कहता है कि एन की वैल्यू बताओ। हमें क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू बताने के लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि अगर हम 65 और 117 का HCF फाइंड करते हैं, HCF को हिंदी में महसमा बोलते हैं, यानी कि अगर मैं 65 और 117 का महसमा फाइंड करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आप वैल्यू फाइंड करोगे ना आप उस वैल्यू को इक्वेट कर देना 65n - 117 से। इक्वेट करने के बाद आपका जो भी आंसर निकल के आएगा वही हमारे n की वैल्यू होगी। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दोस्तों 65 और 117 का HCF फाइंड करना पड़ेगा और इनका HCF फाइंड करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हम EDL का यूज नहीं कर सकते तो हम इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो नंबर सबसे पहले 65 जो है अपना 5 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा 5 × 13 और फिर बनेगा 13 × 1। इसी तरह 117 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 पे कट जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27। फिर ये दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और लास्ट में आएगा 13 × 1 = 13। ठीक है भाई, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 65 की वैल्यू जो है वो 5 × 13 के बराबर है और 117 की वैल्यू जो है वो 3 × 2 = 13 के बराबर है। अब हमें इनमें फाइंड करना है HCF। तो आप लोग जानते हैं HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप ये चेक करो कि 65 और 117 में जो कॉमन वैल्यू है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इसके अंदर तो एक ही कॉमन वैल्यू हमें नजर आ रही है, वो है 13। इसका मतलब है कि HCF की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 13 आ गई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, जो भी HCF निकल कर आएगा आप उस HCF को 65n - 117 से इक्वेट कर दो। तो हम यहाँ पे इस HCF के नीचे लिखेंगे कि 65n - 117 इक्वल है 13 से, यानी कि 65n इक्वल है 130 के। ये यहाँ पे जाके प्लस होगा और जब प्लस होगा 13 में प्लस करेंगे तो 130 आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू बन जाएगी 130/65। 130/65 का मतलब है n की वैल्यू आ गई 2। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो फटाफट वीडियो को शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को जोड़ो। फिर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको दिया गया है HCF ऑफ टू नंबर इज 145। HCF प्यारे बच्चों आपको दो नंबरों का 135 दिया गया है और उन्हीं दो नंबरों का प्यारे बच्चों आपको प्रोडक्ट दिया गया है और प्रोडक्ट आपको दिया गया है 315375। ये एक बड़ा सा नंबर यहाँ पे लिखा गया है 315375। ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है आपको। उसके बाद HCF दे दिया गया है 145। तो आपको प्यारे बच्चों LCM की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बच्चों मुझे ये बताओ कि हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर आप इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे कि a इंटू में b, दो नंबरों का प्रोडक्ट जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो सर इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई LCM के, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM के। तो आपको प्यारे बच्चों इसके अंदर प्रोडक्ट दे दिया गया है, दो नंबरों का गुणनफल पहले से ही गिवन दिया गया है प्यारे बच्चों आपको, ये 31, 53, 75। तो आप इसको इस AB की जगह पे लिख देंगे 315375 = इसके बाद प्यारे बच्चों आपको HCM की वैल्यू दे दी गई है 145। तो इस HCF की जगह पे लिख देंगे 145 मल्टीप्लाई कर देंगे LCM। अब देखिए बच्चों आपको इस LCM की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 145 यहां जाएगा तो डिवीजन में आएगा। तो आप इसको लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 315375। इसको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों आप 145 से। अब देखिए बच्चों इन दोनों की ही यूनिट डिजिट 5 है तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूं। तो आप 145 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 × 2 = 10। जब 5 × 2 = 10 करेंगे तो 14 में से 10 माइनस करेंगे 4 आएगा और 4 के साथ 5 आएगा तो 4 और 5 = 45 हो गया। 45 का मतलब ये जाएगा 9 पे, 5 × 9 = 45। अब बात करते हैं 315375 की। तो प्यारे बच्चों जब आप इसके फर्स्ट टू डिजिट्स को एक साथ ले लोगे तो आप इसको 6 पे डिवाइड करोगे, 6 पे डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों इसका मतलब आपने वहां पे 30 लिखा होगा। जब आपने वहां पे 30 लिखा होगा तो 31 में से 30 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 के साथ 5 है, 1 के साथ अगर प्यारे बच्चों 5 है तो ये जाएगा आपका 3 पे, 5 × 3 = 15। अब इसके बाद बच्चों आप जब इसके अंदर 3 और 7 को एक साथ लोगे, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं 3 को एक अकेला नंबर नहीं ले सकता क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो हमें 3 को 5 से बड़ा नंबर बनाने के लिए 7 को उसके साथ लिखना पड़ेगा।
तो जब आप दो नंबर एक साथ लिखोगे प्यारे बच्चों तो आप यहाँ पे जीरो लगाओगे, और अगर आप यहाँ पे जीरो लगाओगे तो अब आपके पास वैल्यू आ गई 37, और 37 से छोटा नंबर अगर आप 5 पे डिवाइड करोगे तो वो आएगा प्यारे बच्चों आपके पास 7, 7 इंटू में 5 या 5 इंटू में 7 होता है 35। फिर प्यारे बच्चों 37 में से 35 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 और 5 आने का मतलब है आप यहाँ पे लिख देंगे 25, और 25 आने का मतलब है आप यहाँ लिख देंगे 5, 5 इंटू 5 25। अब देखिए बच्चों बात आती है कि ये जो 29 है, ये 29 प्यारे बच्चों एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब प्यारे बच्चों ये एक प्राइम नंबर है, 29 प्यारे बच्चों एक प्राइम नंबर है। तो आप यहाँ पे बिना सोचे समझे, आप प्यारे बच्चों यहाँ पे बिना सोचे समझे डायरेक्ट 29 से 630 को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि 29 किस टेबल में आता है, 29 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही टेबल पर आता है, तो आपको अब कंफर्म है कि 29 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और 29 का टेबल तो प्यारे बच्चों आपके करण सर को भी नहीं आता, तो आपको भी नहीं आता होगा, तो आप यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट करो। प्यारे बच्चों जब हम 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 58 आएगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 58। 63 में से 58 को माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास 5 बचेगा, और ऊपर से नोट कर लेंगे 0। अब आप देखिए बच्चों हमने जब 29 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा था तो 58 आया, 50 छोटा नंबर है यानी कि ये 1 पे जाएगा, और 1 पे आएगा आपके पास 29। फिर आप इसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो 50 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21, और ऊपर से नोट कर लेंगे 7, 217 आ गया। अब देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 29 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू में 9 होता है 72, और 8 इंटू में 2 होता है 16, जब 16 में 7 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 23, बड़ा नंबर आ गया। इसका मतलब है प्यारे बच्चों ये कंफर्म हो चुका है कि 29 इंटू में 7 पे ही ये डिवाइड होगा, तो 7 इंटू 9 करेंगे ये आएगा 63, 7 इंटू 2 करेंगे 14, प्लस 6 कर देंगे तो 20, 203 आया प्यारे बच्चों इस 7 पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 203। जब आप इसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास बचेगा 14, और ऊपर से ये 5 को नोट कर लेंगे तो पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी 145। इसके बाद बच्चों 29 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट 145, तो आपके पास लास्ट डिजिट आएगी 5, और यहाँ पे आप लिख देंगे 45, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड होना ही था प्यारे बच्चों, तो आपके यहाँ पे एलसीएम का आंसर आ गया 2175। 2175 प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बच्चों था तो इजी, लेकिन इसके अंदर जो हमें डिजिट्स दी गई थी वो थोड़ी बड़ी दी गई थी, डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया। बच्चे जहां गलती करते हैं वो यहीं पे करते हैं कि प्राइम नंबर को वो 2 पे काट के देख रहे होते हैं, 3 पे काट के देख रहे होते हैं, 4 पे काट के देख रहे होते हैं, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों तो आप उसको डायरेक्ट डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और आप ये डिविजन प्यारे बच्चों मन मन में नहीं करेंगे। अगर आप मन मन में ये डिविजन करोगे तो आपका आंसर पॉसिबिलिटी है कि गलत आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 2175। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आप सबसे पहले लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है, और प्यारे बच्चों वो ट्रिक इस तरह से है कि आपके क्वेश्चन में लिखा गया है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। प्यारे बच्चों आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, और प्यारे बच्चों जब आप अपने एलसीएम की फुल फॉर्म रीड करते हो तो इसको फुल फॉर्म में लिखा जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है प्यारे बच्चों सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल किन्हीं भी दो नंबरों के बीच का, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दो नंबरों के बीच का। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वह सबसे छोटा नंबर बताओ जो 306 और 657 का मल्टीपल हो। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, फिर उसके बाद एलसीएम की फुल फॉर्म को रीड करिए। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है प्यारे बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है प्यारे बच्चों सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दोनों गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल हो। तो यही स्टेटमेंट प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन में लिखकर दी गई है। आपको प्यारे बच्चों 306 और 657 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों के दोनों नंबर से प्यारे बच्चों कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब वो नंबर ऐसा होगा जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, वो प्यारे बच्चों ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों का ही मल्टीपल होगा। तो जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों सबसे छोटी वैल्यू पूछी जाएगी, मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस का हमने क्वेश्चन किया था आपके साथ, उसमें भी एलसीएम निकाला था। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन को रीड करने पे आपको ये लगे कि सबसे छोटी वैल्यू की बात हो रही है तो आप प्यारे बच्चों उसके अंदर बिना सोचे समझे एलसीएम की वैल्यू फाइंड करके आएंगे। तो अब बात आती है प्यारे बच्चों की एलसीएम इसके अंदर हम फाइंड कैसे करें। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बात पहले भी बोली है कि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही तरीका है एलसीएम फाइंड करने का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि का यूज करके आपको इसमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है।
तो देखिए बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है अकॉर्डिंग अगर हम अपने एलसीएम निकालने जाएंगे तो आप जानते हैं, सबसे पहले आप फैक्टर बनाएंगे। तो इस वीडियो को पॉज करो और अपने आप फैक्टर बनाओ और अपने फैक्टर्स को मेरे बनाए गए फैक्टर से मैच करना। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आपने जब 306 के फैक्टर बनाए होंगे तो इसके फैक्टर में आपने 2 × 3 × 3 × 17 ही लिखा होगा, और 657 के फैक्टर बनाए होंगे तो प्यारे बच्चों आपने 3 × 3 × 73 ही लिखा होगा। अब देखिए बच्चों, सभी बच्चों का यहाँ पे छोटा सा डाउट ये रहता है कि सर ये जो 73 नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ 73 पर ही क्यों गया, और अगर ये 73 पर ही गया तो ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि 3 और 73 के बीच में पूरे के पूरे 70 नंबर हैं। तो आपने सर इसको उन नंबर्स पे डिवाइड करने की बजाय डायरेक्ट आपने इसको 73 पे डिवाइड कर दिया। तो देखिए बच्चों, ये जो 73 नंबर है ना, ये आपका एक प्राइम नंबर है। प्यारे बच्चों, 73 नंबर है आपका, ये एक प्राइम नंबर है। अब बात ये आती है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि सर हमें तो मुश्किल से मुश्किल 50 से छोटे प्राइम नंबर मालूम है। अगर 50 से ऊपर के प्राइम नंबर हमें लिखने पड़े तो हम सर उसको कॉपी में 1 by 1 by 1 करके लिखेंगे, तो आपको ये कैसे डायरेक्ट पता चल गया कि 73 अभाज्य संख्या है, 73 प्राइम नंबर है। तो देखिए बच्चों, आज के बाद आपको भी ये डायरेक्ट पता लग जाएगा। आपको करना क्या होता है सर प्राइम नंबर को पहचानने के लिए, आपको ये दो कंडीशन चेक करनी होती है, इसके बीच में आप और लिख लो, इनमें से कोई एक कंडीशन चेक करते हैं। अगर पहली कंडीशन फेल होती है तो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, बल्कि बच्चों आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको अपने गिवन नंबर को 6 से डिवाइड करना होता है, 6 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जाए और 5 आ जाए तो आपका नंबर प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आप एक बार फटाफट 73 को 6 से डिवाइड करके देख सकते हैं, इस केस के अंदर आपका रिमाइंडर प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि आप 73 को लिख देंगे 6 × 12 + 1। तो इस 1 आने की वजह से प्यारे बच्चों 73 जो है एक अभाज्य संख्या बन गया, 73 जो है एक प्राइम नंबर बन गया। आप इस बात को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे कि किसी नंबर को अगर प्राइम नंबर चेक करना है तो वो नंबर हमेशा ही प्यारे बच्चों 6n+1 या फिर 6n+5 के टर्म्स में होना चाहिए। तो इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों 306 इज इक्वल टू 2 × 3 × 2 × 17, और प्यारे बच्चों 657 को हम लिख देंगे 3 × 2 × 73। इसके बाद प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ब्रैकेट में लिखेंगे किस किस का, 306 का और 657 का इज इक्वल टू। अब देखिए बच्चों, आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए सभी के सभी फैक्टर्स को नोट करना होता है। तो सभी के सभी फैक्टर कौन कौन से हैं, एक इसके अंदर 2 है, एक इसके अंदर 3 है, एक इसके अंदर 17 है और एक इसके अंदर 73 है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको ये चेक करना होता है कि अगर किसी फैक्टर के ऊपर पावर लगी हुई है तो वो हाईएस्ट पावर आपको अपने एलसीएम में लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि 3 × 2 आपको 306 में लिखना पड़ा और 3 × 2 ही आपका 657 में आया। तो 3 × 2 दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ पर भी 3 × 2 ही आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बच्चों, 2 एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 17 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 73 से। अब इसके बाद देखिए बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं कि इसके अंदर ये बड़ा नंबर 73 दिख रहा है तो वो इसका मल्टीप्लीकेशन करते ही नहीं है, इस आंसर को बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, जो गलत है। आपके पास और कोई तरीका नहीं है प्यारे बच्चों, आपको इस नंबर को पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आपका पूरा कंप्लीट आंसर आएगा। तो जल्दी से बिना सोचे समझे इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। देखिए बच्चों, जब आप 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 34 को मल्टीप्लाई करना है 9 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 73 से। तो देखिए बच्चों, जब हम 34 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 9 4 से मल्टीप्लाई होगा, 9 × 4 होता है 36, 3 कैरी में जाएगा और यहाँ पे आएगा 6, 3 प्यारे बच्चों कैरी में क्या हुआ है, और 9 × 3 करोगे तो आपके पास आएगा 27 में 3 प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 30। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 73 से, तो अब इसकी मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पे अलग से करनी पड़ेगी। 306 को प्यारे बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, तो 3 × 6 करेंगे 18 और 3 × 3 करेंगे 9, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 7 × 6 करेंगे 42 और 7 × 3 करेंगे 21। इसके बाद आप इसको लिखेंगे 8 2 + 1 करेंगे 3, 9 + 4 करेंगे 13, कैरी 1 चला जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा 2 और 2 एज इट इज रहेगा। आपका आंसर प्यारे बच्चों आ गया 22338। तो इसका मतलब ये है कि 22238 सबसे छोटी संख्या है जो 306 और 657 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। फिर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा गया है एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो क्या है, वो 9 टाइम्स है एचसीएफ के, यानी कि 9 गुना है प्यारे बच्चों महत्तम समापवर्तक के। महत्तम समापवर्तक का मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब एलसीएम। तो प्यारे बच्चों, जो एलसीएम है, जो लघुत्तम समापवर्तक है, वो अपने महत्तम समापवर्तक का 9 गुना है, यानी कि जो एचसीएफ है उसका 9 टाइम्स है एलसीएम।
फिर आगे आपको दिया गया सम, सम किस किस का दे दिया गया, एक तो एलसीएम का दे दिया गया और एक एचसीएफ का दे दिया गया 500, और आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों की एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बच्चों आप करेंगे क्या, इसके अंदर लेट कर लेंगे आप, यहाँ पे प्यारे बच्चों लेट कर लेंगे एचसीएफ को, एचसीएफ को लेट कर लेंगे आप एक्स, इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ एलसीएम क्या था, एलसीएम था नौ गुना यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 9x। इसके बाद प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अंदर सम दिया गया था, सम का मतलब होता है प्लस करना, किस किस को प्लस करना है, एक तो आपको एचसीएफ को प्लस करना है और एक प्यारे बच्चों आपको एलसीएम को प्लस करना है, इसको प्लस करने पे आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 500, यानी कि आप प्लस करेंगे एक्स में 9x, जब आप एक्स में 9x प्लस करेंगे प्यारे बच्चों आपके पास आएगा 10x, 10x की वैल्यू है 500, जीरो से जीरो को काट दो तो आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 50, आपने प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू निकाल ली 50, और एक्स और कुछ नहीं है बल्कि क्या है आपका एचसीएफ है, आपका एचसीएफ ही प्यारे बच्चों एक्स है, तो आप यहाँ लिख देंगे 100, आप यहाँ पे लिख देंगे 100 एचसीएफ, सो एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 50, दिस इज योर आंसर। आपके दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का मान आ चुका है 50। तो प्यारे बच्चों आज हमने आपके साथ रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में जुड़कर अच्छा लगा होगा। इसी तरह प्यारे बच्चों मैं आपके साथ जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के आपको करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बीच में आपको छोड़ दूंगा, कंप्लीट रिवीजन ऐसे आपको करवाई जाएगी। मैं चाहता हूं कि आपके 95 प्लस मार्क्स आए, इसके लिए प्यारे बच्चों आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, आपको हमारी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब भी मैं टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज की वीडियो अपलोड करूं, प्रीमियर करूं, लाइव आऊं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को हमारे टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में जोड़ने की कोशिश करो। तो अब हम आपके साथ कल मिलेंगे डे 5 में, पॉलीनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू।